हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, सभी बैंकिंग एंड एसएससी एग्जाम्स के लिए मैं ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स की, और इसमें मैं आपको हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स बताऊँगा जो कि सभी बैंकिंग और एसएससी एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, बहुत ही कॉमन हैं। कुछ नए वर्ड्स हैं जो कि आपको आने चाहिए, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, और ये वर्ड्स ना केवल आरसी में बल्कि पैराजम्बल, क्लोज टेस्ट और वोकेबलरी का जो सेक्शन होता है उन सभी के लिए हाईली इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए देखते हैं इन वर्ड्स को। अभी मैंने इस वीडियो क्लास में 5 वर्ड लिए हैं, इनको हम अच्छे तरीके से सीखेंगे, लेकिन आगे की क्लासेस में मैं ज़्यादा वर्ड्स भी लूँगा। तो ये है मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, और यहाँ से हम शुरू करते हैं हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स। देखिए, डेड जेरी, इसको हम बोलेंगे डेड जेरी, और ये बहुत ही कॉमन वर्ड है डेड जेरी। इसका मतलब होता है जैसे जो कड़ी मेहनत जो की जाती है, हार्ड, मीनियल और डल वर्क। ठीक है, एक ऐसा वर्क जिसमें कड़ी मेहनत लग रही है और बहुत ज़्यादा बोरिंग है वो, जैसे डोमेस्टिक ड्रजरी, जैसे डोमेस्टिक जो घर घरेलू जो काम होता है वो काफ़ी बोरिंग होता है। ठीक है, डोमेस्टिक ड्रजरी इसको हम बोलेंगे। तो हार्ड, मीनियल और डल वर्क, इसको हम बोलते हैं ड्रजरी। ठीक है, हार्ड वर्क, मीनियल वर्क, डंकी वर्क, टॉयल। देखिए, टॉयल एक अच्छा वर्ड है, टॉयल। टॉयल का मतलब भी हार्ड वर्क होता है, और यहाँ पर हम एक एग्जांपल सेंटेंस देखेंगे। यू यूज़ ड्रजरी टू रेफर टू जॉब्स एंड टास्क विच आर बोरिंग और अनप्रेजेंट बट विच मस्ट बी डन। मतलब ड्रजरी हम एक ऐसे रिपीटेटिव काम को बोलते हैं जिसमें काफ़ी मेहनत लगती है, जो बोरिंग है लेकिन उसको करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे घरेलू काम मैंने बताया आपको, और कोई भी बोरिंग काम जो अनप्लीजेंट है। पीपल वॉन्ट टू गेट अवे फ्रॉम द डेड जेरी ऑफ देयर एवरीडे लाइफ्स। एवरीडे की जो रूटीन लाइफ होती है, उसका जो काम होता है, उसको हम बोलते हैं डेड जेरी। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। ठीक है, तो एक ये वर्ड है जो कि हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड में मैंने लिया है, और आगे की क्लासेस में मैं काफ़ी सारे वर्ड्स लिया करूँगा एक ही क्लास में, करीब 15 से 20 वर्ड मैं लूँगा और उनको मैं एक्सप्लेन करूँगा। देखिए, एक ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जॉर्ट। एग्जॉर्ट का क्या मतलब है? स्ट्रॉन्ग, स्ट्रांगली इनकरेज और अर्ज समवन टू डू समथिंग। आई एग्जॉर्टेड हर टू बी अ गुड चाइल्ड। मैंने उसको अर्ज किया एक अच्छा बच्चा बनने के लिए। स्ट्रांगली इनकरेज और अर्ज समवन टू डू समथिंग। ठीक है, अर्ज, इनकरेज, कॉल ऑन और इनजॉइन। तो काफ़ी अच्छा ये वर्ड है, और यहाँ पर हम देखते हैं एग्जाम्पल सेंटेंस। शी जेंटली एडमोनिस्ट द ट्रांसलेटर अ मैन बाय एग्जॉर्टिंग हिम नॉट टू बी शोविनिस्टिक बाय डिस्टॉर्टिंग फैक्ट्स। तो ये भी एक अच्छा वर्ड है, एग्जॉर्ट, और इसका मतलब होता है स्ट्रांगली इनकरेज और अर्ज समवन टू डू समथिंग। देखिए, रीगेल क्या मतलब है इसका? रीगेल का मतलब होता है एंटरटेन और अम्यूज समवन विद टॉक। किसी व्यक्ति का मनोरंजन करना, उसको अम्यूज करना टॉकिंग के साथ। ठीक है, एंटरटेन और अम्यूज समवन विद टॉक। ही रीगेल्ड हर विद ए कलरफुल अकाउंट ऑफ देयर आफ्टरनून मीटिंग। उनकी जो आफ्टरनून मीटिंग हुई उसका एक कलरफुल अकाउंट उसके सामने उन्होंने पेश किया, और इस तरीके से उसने उसको रीगेल किया। तो रीगेल का मतलब है एंटरटेन और अम्यूज समवन विद टॉक। ठीक है, जैसे कुछ लोग बात करते हैं और उनकी बातचीत बड़ी मज़ेदार रहती है, तो उसको ही हम रीगेल्ड बोलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके जो सिनोनिम्स होंगे वो एंटरटेन, अम्यूज, डाइवर्ट, डिलाइट, ये सारे इसके सिनोनिम्स होंगे। और यहाँ पर एक सेंटेंस आप और देख सकते हैं, ही वॉज रीगेल्ड विथ एक्सीलेंट होम कुकिंग, सप्लाई लेविशली। ये भी इसका मतलब होता है किसी चीज़ को लेविशली, अच्छी क्वान्टिटी में सप्लाई करना, एंटरटेन लेविशली या सम्पचुअसली, तो इसको हम बोलते हैं रीगेल। नेक्स्ट हम बोलते हैं एब्ज्यूर। इफ़ यू एब्ज्यू समथिंग सच एज अ बिलीफ और वे ऑफ लाइफ, यू स्टेट पब्लिकली दैट यू विल गिव इट अप और दैट यू रिजेक्ट इट। किसी चीज़ को त्याग देना, किसी चीज़ को छोड़ देना, ठीक है, और रेनाउंस कर देना। देखिए, ये दो वर्ड्स काफ़ी कन्फ्यूजिंग है। एक होता है रेनाउंस, होता है डिनाउंस। रेनाउंस का मतलब छोड़ना, डिनाउंस का मतलब क्रिटिसाइज करना। ठीक है, इसको आप हमेशा याद रखिए, रेनाउंस का मतलब है त्यागना। और एक ये फॉरगो, इसको बहुत कन्फ्यूज़न होता है, इसको लोग फॉरगेट मान लेते हैं, लेकिन फॉरगो का मतलब है उसको जाने देना, उसको त्याग देना, रिनाउंस। और डिनाउंस क्रिटिसाइज होता है। फॉर स्वेयर, ठीक है, ये भी अच्छा वर्ड है।
तो ये यहाँ पर मैंने कुछ अच्छे वर्ड्स दिए हैं। एबनी गेट, एबनी गेट का मतलब ही त्यागना होता है, एबनी गेट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है और काफ़ी बार एसएससी और दूसरे एग्जाम्स में ये पूछा गया है। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं विशिएट, इसको विशिएट हम पढ़ते हैं, स्पॉइल और इम्पेयर द क्वालिटी और एफिशिएंसी ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की क्वालिटी को एफिशिएंसी को डैमेज कर देना। डेवलपमेंट प्रोग्राम हैव बीन विशिएटेड बाय द राइज इन पॉपुलेशन, डेवलपमेंट प्रोग्राम हैव बीन विशिएटेड बाय द राइज इन पॉपुलेशन, जो डेवलपमेंट प्रोग्राम हैं वो विशिएट हो गए हैं, वो इम्पेयर हो गए हैं, स्पॉइल हो गए हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो ये विशिएट का मतलब है। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो क्लास में पांच वर्ड लिए हैं, विशिएट जिसका मतलब होता है स्पॉइल और इम्पेयर, थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। एब्ज्यूर का मतलब होता है त्यागना, रिगेल का मतलब होता है एंटरटेन करना, एग्जॉर्ट का मतलब होता है अर्ज करना, और डटजेरी का मतलब होता है मीनियल वर्क। तो इस तरीके से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, और एक बार में मैं पांच वर्ड नॉर्मली इसमें मैंने लिए हैं, लेकिन आगे के वीडियो क्लासेस में मैं ज़्यादा वर्ड्स लूँगा जिनके थ्रू आपकी वोकेबलरी काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। तो ये वोकेबलरी की जो सीरीज़ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। और मैं अनअकैडमी पर इस समय लाइव क्लासेस दे रहा हूँ बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, और आप यदि मेरी अनअकैडमी पर लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये है मेरा रेफरल कोड, और इसके थ्रू आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा, बसंत सिंघल 2210, और उसके बाद आप मेरी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इस समय मेरी दो क्लासेस चल रही हैं, 11 से 12 और 1 से 2, इसमें मैं बैंकिंग एग्जाम्स के लिए पढ़ाता हूँ, तो इन क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि ये मेरी ये क्लासेस अच्छी लगती हैं तो इनको रेट रिव्यू रेकमेंड करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें, और बताएं कि किस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है, ताकि उस तरह की वीडियो क्लासेस मैं बनाऊं और इस चैनल पर अपलोड करूं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।